हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हेल्दी और टेस्टी रागी माल्ट बनाना सीखेंगे। मैं आपको आधा लीटर माल्ट के क्वांटिटीज बताऊंगी। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 20 से 30 बादाम लेकर उन्हें सारी रात भिगो के उनका स्किन पील ऑफ करके साइड में रख लेंगे। अब इन बादाम को थोड़े से दूध या पानी के साथ फाइन पेस्ट कर लेंगे। अब एक बाउल में 3 टेबलस्पून रागी पाउडर लें। इस पाउडर को 50 से 100 ml पानी के साथ थिन पेस्ट करके साइड में रख लें। अब स्टोव पे एक बाउल में 200 ml पानी लें। इसमें बादाम के पेस्ट को ऐड करके 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने दें। अब इसमें 150 ग्राम गुड़ डालें। आप चीनी भी ले सकते हैं, पर गुड़ ज्यादा हेल्दी है इसलिए मैंने गुड़ यूज किया है। गुड़ अच्छे से घुलने के बाद इसमें एक चुटकी नमक डालें। ये फ्लेवर को और भी एनहांस करता है। अब इसमें पहले से बनाए गए रागी के पेस्ट को अच्छे से चलाते हुए ऐड कर लें। अब इसे 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए पकने दें। अब इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालें। लीजिए, हेल्दी और टेस्टी रागी माल्ट तैयार है। आप इसे ऐसे ही या फिर दूध को ऐड करके सर्व कर सकते हैं। आप इसे अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। रागी कैल्शियम और फाइबर रिच होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इन्हें काफी सारे वेट रिड्यूसिंग डाइट्स और डायबिटिक डाइट्स में यूज किया जाता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।